हेलो फ्रेंड, आज अष्टमी थी तो मैं सुबह जल्दी उठ गई और जल्दी उठ के मैंने चने उबाल कर चने को तड़का लगाया। इसमें जीरा, नमक, मिर्च, मसाला गरम, हल्दी डाली, काली मिर्च डालकर मेरे चने को मैंने तड़का लगा दिया। और ये चने का प्रसाद मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था। यहाँ पर मेरा चने बनकर तैयार हो गए। इधर मैंने प्रसाद बनाने के लिए एक पतीले में पानी डालकर चीनी डाल दी चाशनी बनाने के लिए। इसमें मैंने 2 प्लेट चीनी डाली। इधर मैंने सूजी निकाल ली थी, सूजी मैंने पाया सूजी ली थी। इधर मेरी चाशनी बनकर तैयार हो गई तो मैंने इधर ड्राई फ्रूट को अच्छे से काट लिया, कढ़ाई चढ़ा दी और देसी घी डालकर मैंने इसमें सूजी डाल दी। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे कि ये मिल जाए अच्छे से देसी घी में और भून जाए अच्छे से। हमने इसको हिलाते रहना है अच्छे से। थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह दिखेगा ये, फिर थोड़ा सा ब्राउन और फिर थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा। ये इस तरह का ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें बनाई हुई चाशनी डाल देंगे। और ये चाशनी हमने इसमें मैंने डाल दी सूजी के हलवे में। ये पतला दिख रहा है पर ये पानी सोख जाएगा जैसे जैसे इसमें आँच लगेगी, वैसे वैसे ये सूजी में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कैसे हमारा सूजी का हलवा मिक्स हो गया। अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट डालने हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए इसमें। अब इसको मिक्स कर दिए। आप ड्राई फ्रूट को फ्राई भी कर सकते हैं देसी घी में, फिर डाल दिए। मैंने ऐसे ही डाले हैं, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसको हम ढक के निकाल देंगे। यहाँ मैंने टमाटर लिए, टमाटर को कद्दूकस कर लिए, हरी मिर्च काट ली, अदरक कद्दूकस कर लिया। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने यानी काबुली चने बनाए थे, उसके लिए मैंने तड़का तैयार किया था। आप काबुली चने को क्या कहते हैं, सफ़ेद चने या काबुली चने? हम तो यहाँ पर काबुली चने कहते हैं, आप क्या कहते हैं आप अपने एरिया में मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया, इसमें हरी मिर्च अदरक डाल दी और टमाटर डाल दिया। अब इसमें मैं नमक मिर्च डालूँगी। आप नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से डाला कीजिए क्योंकि मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। हमारे घर में जैसा खाते हैं वैसा ही मैं डालती हूँ, आप लोग जैसा खाते हैं वैसा ही डालिएगा। यहाँ पर मैंने मेरे 4 मसाले हैं जो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, जैसे नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और एक गरम मसाला डालती हूँ। मतलब इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं डालती। तड़के में टमाटर वगैरह डालती हूँ। ये आज अष्टमी थी तो मैंने आज किसी भी सब्ज़ी में प्याज नहीं डालना था। ये भी मेरा एक सब्ज़ी, हमारी प्रसाद वाली सब्ज़ी बनी थी, इसमें भी मैंने प्याज नहीं डाले थे। ये एक तरह की प्रसाद वाली सब्ज़ी बनी थी। ये मैंने सब कुछ डाल के तड़के को अच्छे से भून लिया। अब ये तड़के में मैंने ये काबुली चने डाल दिए। अब ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। अगर आप चाहो पानी कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। इधर मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें तेल रख दिया गर्म होने को। और इधर मैंने आटा छान लिया। आटा को गूंद के मैंने एक पूरी बनाई। जो मैंने पूरी बनाई थी ये मैंने गौ माता के लिए बनाई थी पहली पूरी, और ये मैंने एक साइड रख दी पहली पूरी बना के। अब दूसरी पूरी मैंने बनाई। मैंने आटे में कुछ भी नहीं मिक्स किया, सिंपल पानी से ही गूंदा था आटा।
देखिए मेरी पूरियों कैसी फूली फूली बन रही हैं। मैंने कुछ नहीं डाला इसमें आटे में, फिर भी मेरी पूरी अच्छे से फूल रही है। ऐसे मैंने दूसरी भी पूरी बनाई, ये भी मेरी पूरी फूल गई थी। मेरी सारी पूरियाँ फूली थी, मैंने आटे में कुछ भी मिक्स नहीं किया, आटा अच्छे से गूंधा था और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, जिसकी वजह से ये ऐसी पूरियाँ बनी, मेरी फूली फूली पूरियाँ बनी। ये मैंने प्रसाद की थाली तैयार कर दी माता रानी को भोग लगाने के लिए, जिसमें हलवा, चने, पूरी और केला और काबुली चने की सब्ज़ी रखी थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, प्रसाद लगा रहे थे, उन्होंने प्रसाद लगाया था पूजा करके। उसके बाद मैं अपने बच्चों